गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, 11 स्टैंडर्ड के यूनिट नंबर 9 हाइड्रोजन के लेक्चर नंबर 2 में आज हम बात करेंगे वाटर की, कि वाटर क्या है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड है और उस वाटर में टू टाइप्स, हार्ड वाटर एंड सॉफ्ट वाटर, हाउ कैन वी कन्वर्ट दिस हार्ड वाटर इनटू द सॉफ्ट वाटर, और जो हार्डनेस है वो टू टाइप की है, एक टेम्पररी हार्डनेस है एक परमानेंट हार्डनेस है। तो टेम्पररी हार्डनेस को रिमूव करने के लिए कौन कौन से मेथड्स है और परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए कौन कौन से मेथड है, एंड लास्ट में वाटर का हमारे लिए यूटिलिटी क्या है। तो बच्चों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है वाटर, पानी। और आपको पता ही है जल ही जीवन है ना, तो आपके अर्थ पे सबसे ज्यादा क्या है आपको, वाटर। 2/3 जो है वो वाटर है अर्थ पर, तो वाटर की ये बात करेंगे हम। ह्यूमन बॉडी हैज अबाउट 65% जो है वो क्या है, हमारी बॉडी में पानी है, वाटर है। और कुछ ऐसे प्लांट्स है, वेजिटेबल्स है जिनमें की 95% तक वाटर होता है। वाटर के बारे में कुछ साइंटिफिक चीजें बात करेंगे। एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग, देखो पानी में जो क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग कब होता है बच्चों, जब हाइड्रोजन किसी हाईली इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट के साथ जुड़ा हो तब हाइड्रोजन बॉन्डिंग देता है। जो हाइड्रोजन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है ना, जैसे H O H, हाइड्रोजन बॉन्डिंग देगा, ऐसे चलता रहेगा ये। हाई फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट हाई होता है, हाई बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, हाई हीट ऑफ वेपोराइजेशन एंड हाई हीट ऑफ फ्यूजन इन कंपैरिजन टू H2S एंड H2SE। H2S और H2SE के कंपैरिजन में पानी का फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, हाई हीट ऑफ वेपोराइजेशन होता है एंड हाई हीट ऑफ फ्यूजन होता है। यहां पर आप स्ट्रक्चर ऑफ वाटर देख रहे हैं कि पानी का स्ट्रक्चर कैसा होता है बच्चों, बैंड मॉलिक्यूल होता है एंड पोलर इन नेचर होता है। ये देखिए आप, ये जो बॉन्ड एंगल हो है वो कितना है, 104.5 डिग्री। इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन के पास, इसीलिए तो ये स्ट्रक्चर ऑफ वाटर है। आप देखेंगे हाउ मेनी हाइड्रोजन बॉन्डेड वाटर मॉलिक्यूल्स आर एसोसिएटेड इन कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O। जब कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O का आपको बनाना है तो आप कैसे बनाएंगे बच्चों, CuH2O का 4 ऊपर प्लस 2 और ये SO4 माइनस 2 बाहर डॉट H2O, यानी बाहर कितना है, इक्की H2O है, 4 तो यहाँ लाइगेंड फॉर्म में है तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है, तो ये जो वाटर मॉलिक्यूल है वो तो लाइगेंड की फॉर्म में है, ये स्क्वायर ब्रैकेट में आ रहा है मतलब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, और यही एज ए सॉल्वेंट वाटर बाहर फ्लोट होता है इन CuSO4.5H2O। ओके, अब ये तो बात की हमने पानी के बारे में। अब बच्चों हेवी वाटर क्या होता है, हेवी वाटर को हम बोलते हैं D2O। अगर प्रोटियम की जगह क्या आ गया, ड्यूटीरियम, हाइड्रोजन की जगह क्या आ गया, ड्यूटीरियम, तो उसको हम बोलते हैं हेवी वाटर। हेवी इसलिए बोल रहे हैं कि हाइड्रोजन के कंपैरिजन में ड्यूटीरियम का जो वेट है वो डबल हो जाता है, दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग इट्स हेवी वाटर। इट इज एक्सटेंसिवली यूज एज ए मॉड्यूलेटर, मॉडरेटर इन न्यूक्लियर रिएक्टर। जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स है उनमें मॉडरेटर की जैसे इसको यूज करते हैं। इन द एक्सेस रिएक्शन फॉर द स्टडी ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म, रिएक्शन मैकेनिज्म स्टडी करने में भी हम इसको यूज करते हैं। इट कैन बी प्रिपेयर्ड बाय एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर से ही हम इसको ऑपरेट कर सकते हैं। डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट ऑफ H2O इज मोर देन D2O, दिस इज एन इम्पोर्टेंट पॉइंट, कि जो पानी का डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट है वो D2O से ज्यादा होता है। डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट बात करेंगे बच्चों हम कि डेंसिटी ऑफ आइस,
इज लेस देन वॉटर। वॉटर के कंपेरिजन में आइस का जो डेंसिटी है वो कम होता है, देयरफॉर एन आइस क्यूब फ्लोट इन द वॉटर। इसीलिए आइस का जो क्यूब है वो पानी के ऊपर तैरता है। आइस हैज हाईली ऑर्डर्ड थ्री डायमेंशनल हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रक्चर। वो थ्री डायमेंशनल हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रक्चर कैसा होता है बच्चों, वो आपको बता देते हैं। ये जब आप वॉटर का केज लाइक स्ट्रक्चर ऑफ आइस, ये वॉटर जब आइस की फॉर्म में होता है तो इसका ऐसा केज लाइक स्ट्रक्चर होता है। थ्री डायमेंशनल हाइड्रोजन बॉन्डेड स्ट्रक्चर है आइस का। ईच ऑक्सीजन एटम इज सराउंडेड टेट्राहेड्रली बाय फोर अदर ऑक्सीजन एटम्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 276 पिकोमीटर। 276 पिकोमीटर के डिस्टेंस पर हाइड्रोजन, जो हाइड्रोजन से ऑक्सीजन अटैच होता है, टेट्राहेड्रली सराउंडेड होता है। आप देखेंगे ये स्ट्रक्चर है केज लाइक स्ट्रक्चर ऑफ आइस। कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं वॉटर की, तो वॉटर क्या होता है बच्चों, एम्फोटेरिक इन नेचर होता है, यानी उसका पीएच जो है वो कितना होता है, इस न्यूट्रल 7 पीएच है, एम्फोटेरिक नेचर रखता है। इट इज एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड, रेडॉक्स रिएक्शन में भी काम आता है, हाइड्रोलाइसिस काम करता है और हाइड्रेट भी बनाता है। इसी का भी हाइड्रोलाइसिस करना हो तो आप वॉटर के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है, हाइड्रेट। अब पानी की बात करेंगे हम, जिसमें हम बात करेंगे हार्ड एंड सॉफ्ट वाटर। हार्ड वाटर का मतलब क्या होता है, सॉफ्ट वाटर का मतलब नॉर्मली जो रेन वाटर आता है वो हमारा एकदम प्योर फॉर्म ऑफ वाटर होता है, वो सॉफ्ट होता है, बट बीच में जो इन्वायरमेंटल में जो भी पॉल्यूशन है वो उसके साथ मिक्स हो जाते हैं, और जब वो अर्थ पर आता है तो अर्थ क्रस्ट में बहुत सारे जो मिनरल्स है या बहुत सारी दूसरी गंदगी है उसके अंदर आ जाती है, उसकी वजह से वो पानी हार्ड हो जाता है। हाउ कैन वी जस्टिफाई दैट वाटर इज ए हार्ड वाटर, कि साबुन के साथ उसको आप यूज करो तो कोई लेदर फॉर्म नहीं करेगा, तो पता चल जाएगा कि पानी हार्ड वाटर है। तो सबसे पहले हम हार्ड एंड सॉफ्ट वाटर का डेफिनेशन देखेंगे कि हार्ड वाटर क्या होता है बच्चों। प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन कार्बोनेट क्लोराइड एंड सल्फेट इन द वॉटर मेक्स वॉटर हार्ड। हार्ड वाटर डज नॉट गिव लेदर विद द सॉफ्ट। अब इससे आपको पता चल जाएगा कि जो पानी है वो कैसा है, हार्ड वाटर है। जब आप उसको सॉफ्ट के साथ यूज करेंगे तो वो लेदर यानी कि झाग नहीं बनाएंगे। जब साबुन के साथ पानी झाग नहीं देता है तो वो वाटर कौन सा होता है, हार्ड वाटर। किसकी वजह से, कैल्शियम और मैग्नीशियम के हाइड्रोजन कार्बोनेट्स बनते हैं, क्लोराइड्स बनते हैं या सल्फेट बनते हैं उसकी वजह से। सॉफ्ट वाटर क्या होता है, वाटर फ्री फ्रॉम सोल्यूबल सॉल्ट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम इज कॉल्ड सॉफ्ट वाटर। इट गिव लेदर विद अ सॉफ्ट इजिली, वो साबुन के साथ इजिली झाग बनाते। तो बच्चों आपको यहां पे ये समझ में आ गया कि हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर में क्या डिफरेंसेस होता है। हार्डनेस ऑफ वाटर इज टू टाइप की हार्डनेस होती है, एक होती है टेम्पररी हार्डनेस, एक होती है परमानेंट हार्डनेस। टेम्पररी हार्डनेस मतलब आप उसको जैसे गर्म करते हैं तो इजीली उसका हार्डनेस खत्म हो जाएगी, टेम्पररी है राइट। परमानेंट हार्डनेस मतलब जल्दी से रिमूव नहीं कर सकते, उसके लिए आपको स्पेसिफिक केमिकल प्रोसेस में जाना पड़ेगा। तो इजीली हट जाए वो टेम्पररी हार्डनेस, जो इजीली नहीं हटे वो परमानेंट हार्डनेस है। तो हार्डनेस इज टू टाइप हियर, टेम्पररी हार्डनेस एंड परमानेंट हार्डनेस। वन बाय वन हम दोनों को डिटेल में डिस्कस करेंगे। टेम्पररी हार्डनेस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। मैग्नीशियम और कैल्शियम के हाइड्रोजन कार्बोनेट CaHCO3 या MgHCO3, इसकी वजह से होता। ऐसे ही परमानेंट हार्डनेस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सोल्यूबल सॉल्ट ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम इन द फॉर्म ऑफ क्लोराइड एंड सल्फेट इन द वॉटर। यहाँ सोल्यूबल सॉल्ट होता है इन द फॉर्म ऑफ क्लोराइड एंड सल्फेट, इसीलिए हम उसको बोलते हैं परमानेंट हार्डनेस। तो बच्चों आपको ये समझ में आ गया पहले कि टेम्पररी हार्डनेस क्या है, परमानेंट हार्डनेस क्या है, किस किस की वजह से होती है।
टेम्परेरी हार्डनेस किसकी वजह से होगी? प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट्स की वजह से। जबकि परमानेंट हार्डनेस किसकी वजह से होगी? प्रेजेंस ऑफ सोल्यूबल सॉल्ट ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम इन द फॉर्म ऑफ क्लोराइड एंड सल्फेट्स। क्लियर? नेक्स्ट, हाउ कैन वी रिमूव द टेम्परेरी हार्डनेस? टेम्परेरी हार्डनेस को रिमूव करने के लिए आपके पास दो तरीके हैं। सबसे पहला है बॉइलिंग करके। जो आपका वाटर है उसमें मैग्नीशियम का बाइकार्बोनेट है या कैल्शियम का बाइकार्बोनेट है जिसकी वजह से हार्डनेस आ रहा है, तो हम उसको क्या करते हैं बच्चों, हीट कर देते हैं। जब हम हीटिंग करेंगे तो मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड बन जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगी और ये मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड नीचे प्रेसिपिटेट हो जाएगा, हम फिल्टर करेंगे और वो दूर हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा जो नीचे प्रेसिपिटेट हो जाएगा, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड तो बाहर निकल जाएगा। ये जब प्रेसिपिटेट हो गया, यहाँ पर ये प्रेसिपिटेट हो गया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और यहाँ कैल्शियम कार्बोनेट, हम क्या करेंगे उसको फिल्टर करेंगे और सारी गंदगी को हटा देंगे, तो जो टेम्पररी हार्डनेस है वो रिमूव हो जाएगी फ्रॉम द बॉइलिंग। सेकंड मेथड है क्लार्क्स मेथड। अब बच्चों क्लार्क्स मेथड क्या होता है वो डिस्कस कर लेते हैं। इन दिस मेथड कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ लाइम इज एडेड टू हार्ड वाटर। जो हमारा हार्ड वाटर है उसमें लाइम वाटर एड किया जाता है बट ए कैलकुलेटेड अमाउंट, जिसको कि हम बोलते हैं क्लार्क मेथड, क्लार्क्स मेथड, राइट। अब बच्चों यहां पर क्या है, जो कैल्शियम का बाइकार्बोनेट या मैग्नीशियम का बाइकार्बोनेट है उसके साथ हम क्या यूज कर रहे हैं, लाइम वाटर CaOH का होल ट्वाइस, चूने का पानी है ये, है CaOH का होल ट्वाइस ऐड कर रहे हैं। तो बच्चों यहां देखेंगे हम कैल्शियम कार्बोनेट डिपॉजिट हो जाता है ना, और नीचे प्रेसिपिटेट हो जाएगा, हम फिल्टर करके हटा देंगे। सेम सब इसमें भी कैल्शियम कार्बोनेट एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड नीचे सेटल डाउन हो जाएगा, प्रेसिपिटेट हो जाएगा, हम फिल्टर करेंगे और हटा देंगे। तो दे आर द टू टेक्निक्स, बाय एडिंग लाइम वाटर, बाय हीटिंग बॉइलिंग, हम टेम्पररी हार्डनेस को रिमूव कर सकते। तो टेम्पररी हार्डनेस को रिमूव करने के लिए हमारे पास दो टेक्निक है। क्लियर है बच्चों? इसमें एक ही कॉन्सेप्ट है कि कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा जो कि नीचे प्रेसिपिटेट हो जाएगा, हम उसको फिल्टर करके वो सकते हैं। तो जो हमारा हार्डनेस का जो प्रॉब्लम आ रहा था वो हट जाएगा बच्चा। क्लियर है? अभी नेक्स्ट में हम देखेंगे कि परमानेंट हार्डनेस को अगर आपको रिमूव करना हो तो हाउ कैन वी रिमूव द परमानेंट हार्डनेस। परमानेंट हार्डनेस क्या होता है बच्चों, पहले वो मैंने आपको समझा दिया कि परमानेंट हार्डनेस में कैसा रहेगा, कि परमानेंट हार्डनेस में जो सोल्यूबल फॉर्म में होता है इसीलिए हम उसको जल्दी रिमूव नहीं कर सकते हैं। अब बात आ गई परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने का, तो ट्रीटमेंट करना है हमें परमानेंट हार्डनेस का, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वॉशिंग सोडा से पहले ट्रीट करेंगे हमारे हार्ड वाटर को, ट्रीटमेंट विद वॉशिंग सोडा या सोडियम कार्बोनेट। तो जो हमारा यहां पर क्लोराइड और सल्फेट की फॉर्म में जो इंप्यूरिटीज है, जैसे MCl2 है या MSO4 है, उसका हम रिएक्शन करेंगे सोडियम कार्बोनेट के साथ, Na2CO3 के साथ रिएक्ट करेंगे। तो यहाँ M क्या है आपका, मैग्नीशियम या कैल्शियम, तो ये मैग्नीशियम का कार्बोनेट बन जाएगा या कैल्शियम का कार्बोनेट बन जाएगा, और ये NaCl बाहर निकल जाएगा और इधर Na2SO4 बाहर निकल जाएगा। ऐसा करके हमने क्या कर दिया, हमारे जो हार्ड वाटर को इन कार्बोनेट से फ्री कर दिया, ये नीचे प्रेसिपिटेट होंगे और हम ये परमानेंट हार्डनेस को भी रिमूव कर पाएंगे। तो परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने का पहला मेथड क्या है, ट्रीटमेंट विद वॉशिंग सोडा या सोडियम कार्बोनेट। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट मेथड की बात करेंगे हम, सेकंड मेथड है, इसमें कैलगन मेथड, सोडियम हेक्सा मेटा फॉस्फेट, कॉमर्शियली कॉल्ड कैलगन। कैलगन क्या होता है बच्चों, उसी बार एग्जाम में पूछा जाता है, सोडियम हेक्सा मेटा फॉस्फेट Na6P6O18, जिसका कि कॉमर्शियली नेम क्या है, कैलगन। ये कैलगन ऐड कर दिया जाता है हमारे वाटर के साथ, क्योंकि हार्ड वाटर है जिसमें कि
इम्प्यूरिटीज है मैग्नीशियम और कैल्शियम की, तो ये क्या करेगा यहाँ पर, जो हमारा Na6P6O18 है इसका ब्रेकअप ऐसे होता है ट्वाइस Na प्लस और ये Na4P6O18 माइनस पूछा है। कभी कभी ये भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है बच्चों। तो जैसे आपका M+2 है, M+2 का मतलब क्या है, कैल्शियम+2 या मैग्नीशियम+2 आयन जो कि आपके हार्ड वाटर में है ना, वो M+2 इसके साथ रिएक्ट कर लेगा Na4P6O18-2 के साथ, तो एक कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। वो कॉम्प्लेक्स क्या होगा, Na2MP6O18। अब देखिए आपका M जो था ना वो किसमें आ गया, इस कॉम्प्लेक्स में आ गया, वो अकेला नहीं रहा इसीलिए वो हार्डनेस नहीं देगा, और बाहर किस पानी में क्या आ गया, सोडियम आयन। तो यहाँ पर जो आपका कैल्शियम आयन था उसकी वजह से हार्डनेस आ रहा था, वो हार्डनेस रिमूव हो जाएगा। क्लियर है बच्चों। नेक्स्ट है आयन एक्सचेंज मेथड। आयन एक्सचेंज मेथड में क्या करेंगे हम, आयन एक्सचेंज मेथड में बच्चों आयन एक्सचेंज में क्या रहता है कि आयन का एक्सचेंज करना है, मेनली उसमें कौन सा आयन है, सोडियम, और सोडियम आयन से हम एक्सचेंज करेंगे किसका, कैल्शियम और मैग्नीशियम का। तो यहाँ पर जो इम्प्यूरिटी है वो किसकी वजह से है, कैल्शियम और मैग्नीशियम की वजह से, उनको हमें रिमूव करना है तो हम आयन एक्सचेंज से एक्सचेंज कर देंगे। दिस मेथड इज ऑल्सो कॉल्ड जियोलाइट या परमिटेड प्रोसेस, उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, जियोलाइट या परमिटेड प्रोसेस बोलते हैं। यहां पर हम आयन का एक्सचेंज करेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जियोलाइट, जियोलाइट क्या होते हैं, सेफ सेलेक्टिव कैटलिस्ट होते हैं। जैसे ये सोडियम के साथ जेड से जियोलाइट है, सॉलिड है, ये M+2 आयन हमारा कैल्शियम+2 और मैग्नीशियम+2 आयन है, ये आयन जियोलाइट के साथ जुड़ जाएगा और ये सोडियम इस आयन की जगह चला जाएगा, यानी एक्सचेंज हो रहा है बच्चों, इसीलिए इसका नाम है आयन एक्सचेंज मेथड। देखिए आप Mz2+2 सोडियम, यानी सोडियम आयन बाहर निकल गए है ना, और ये M आपका क्या है बच्चों, यहाँ मैग्नीशियम+2 या कैल्शियम+2 होता है। क्लियर है। तो आयन एक्सचेंज से भी हम परमानेंट हार्डनेस को रिमूव कर सकते हैं। जियोलाइट क्या होते हैं बच्चों, सेफ सेलेक्टिव कैटलिस्ट होते हैं ना, सोडियम एल्यूमिनो सिलिकेट्स, सोडियम एल्यूमिनो सिलिकेट्स होते हैं जियोलाइट, NaAlSiO4, उनको हम कैसे लिख सकते हैं, NaZ, ये जेड की जगह पूरा पूरा क्या आ रहा है, एल्यूमिनियम सिलिकेट, ये पूरा पूरा किसको रिप्रेजेंट करता है, जेड को, तो ऐसे हम लिख सकते हैं। सिर्फ एक्सचेंज कराना है हमें आयंस का तो हमारा हार्डनेस वाटर का दूर हो जाएगा। क्लियर है बच्चों। नेक्स्ट है सिंथेटिक रेजिन मेथड, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस सिंथेटिक रेजिन मेथड से हम केटाइन एज वेल एज एनाइन दोनों का इम्प्यूरिटी हटा सकते हैं। केटाइन एक्सचेंज में यहां पर यूज होता है H+, केटाइन एक्सचेंज इन द H+ फॉर्म एंड एनाइन एक्सचेंज इन द OH- फॉर्म। रेजिन क्या होते हैं, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के जो कंपाउंड होते हैं उनके डेरिवेटिव्स होते हैं उनको हम बोलते हैं रेजिन्स। तो ये रेजिन्स यूज होते हैं वाटर की हार्डनेस को रिमूव करने के लिए। यहां पर एनाइन और केटाइन दोनों का इम्प्यूरिटी दूर कर दिया जाता है। बेस्ट मेथड है सिंथेटिक रेजिन मेथड। देखिए बच्चों यहां पर सिंथेटिक रेजिन में हम क्या कर रहे हैं, RH ये आपका सिंथेटिक रेजिन है, इसमें M+2 आयन जो है तो वो उसके साथ रिएक्ट करा रहे हैं, तो ये जो रिएक्शन हो रहा है उसमें Mr2 बन रहा है एंड ट्वाइस H+ आयन बाहर निकल गया। तो ये H+ आयन्स आपका कैल्शियम और मैग्नीशियम की इम्प्यूरिटीज को रिमूव करता है, ऐसे ही OH- आयन आपके क्लोराइड और सल्फेट की इम्प्यूरिटीज को रिमूव करते हैं। तो सिंथेटिक रेजिन मेथड जो है वो बेस्ट मेथड है टू रिमूव द परमानेंट हार्डनेस। समझ में आया बच्चों। ये जो आपका जो भी आपका कैल्शियम या मैग्नीशियम होगा वो किसके साथ आ जाएगा, ये रेजिन के साथ आ जाएगा है ना, और उसके साथ वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में रहेगा जिसकी वजह से आपका हार्डनेस बढ़ेगा नहीं। और जो हमारा मेन आउटपुट है कि हार्डनेस नहीं बढ़ना है, हार्डनेस नहीं बढ़ाना है, तो उसके लिए हमें कैल्शियम और मैग्नीशियम को
बाइंड करके रखना पड़ेगा। अगर वो फ्री फॉर्म में रहेंगे तो वो हार्डनेस को बढ़ाएंगे। ओके, जैसे कि यहां पर ये तो हमने बात कर ली थी एसिडिक के लिए। जब हम बात करते हैं RNH2+ वाटर, ये जो रिएक्शन हो रहा है क्या बन रहा है बच्चों, RNH3+ एंड OH- आयन सॉलिड है। अब ये RNH3+ OH- आयन इसके साथ हमारा जो हैलोजन्स वगैरह की जो इम्प्यूरिटीज है उसके साथ रिएक्ट करेगा, जैसे क्लोराइड का इम्प्यूरिटीज है, सल्फेट का इम्प्यूरिटीज है, तो उनके साथ रिएक्ट करता है। तो ये क्या बना लेता है बच्चों, RNH3+X-, जो इम्प्यूरिटी वाला आयन होता है उसको अपने साथ ले लेता है और बाहर क्या ले आएगा, OH- आयन। तो ऐसे आपके वाटर में क्या आ जाएगा, OH- आयन, ऐसे ही इधर H+ आयन। इसीलिए यहां बोला कैटायन एक्सचेंज में H+ फॉर्म से एक्सचेंज होता है और एनायन एक्सचेंज में OH- फॉर्म से एक्सचेंज होता है रेजिन में। यहाँ R4 रेजिन है, तो आप देखेंगे कि H+ से आप कैल्शियम और मैग्नीशियम को रिप्लेस कर सकते हैं और OH- आयन से क्लोराइड और सल्फेट को आप रिमूव कर सकते हैं। तो यहां पर आपके पास ये चार मेथड है, वॉशिंग सोडा से आप ट्रीट कर दीजिए, कैलगन मेथड से कीजिए, आयन एक्सचेंज से कीजिए या सिंथेटिक रेजिन मेथड से कीजिए। हार्ड वाटर को आप सॉफ्ट वाटर बना सकते। क्लियर है बच्चों? थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट।